और उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम। 14 सितंबर से 16 तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 तारीख को प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 14 सितंबर से 16 तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 तारीख को प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। तो 17 और 18 तारीख को प्रदेश में बहुत बारिश होने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो लगातार प्रदेश में मौसम करवट बदलता जा रहा है और एक बार फिर से कई जगहों के लिए, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 सितंबर से 16 सितंबर तक ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद 17 से 18 तारीख तक भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। 13 तारीख सितंबर की हो गई है और अभी अगर मानसून की उत्तराखंड के लिए बात करें तो करीब लास्ट तक ये वापसी होती है और अभी एक स्पेल जो है अभी 4 से 5 दिन की अगर बात करें तो इसमें अच्छी स्पेल एक मिलने वाली है। आज अगर 13 को बात है तो ज़्यादा एक्टिविटी बहुत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जो कुमाऊँ एरिया हमारा है तो वहाँ पे जैसे पिथौरागढ़ बागेश्वर है या नैनीताल चंपावत है तो इनमें हैवी वेरी हैवी रेन्स की संभावना आज भी है। और गढ़वाल की जहाँ तक बात है तो ठीक है, आप लाइट से मॉडरेट की बात कर सकते हैं और अनेक जगहों तक में आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊँ रीजन है और कुछ जगहों में गढ़वाल रीजन में। लेकिन जब आप 14 को जाएंगे तो जो ये एक्टिविटी है बढ़ने वाली है, तो 14 और 15 की अगर मैं बात करूं या 16 की बात करें तो ये 3 दिन ऐसे रहेंगे कि करीब करीब जो है पूरे प्रदेश में जो अच्छी बारिश मिलनी चाहिए, हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में, और साथ में हैवी से वेरी हैवी रेन है तो वो कुमाऊँ क्षेत्र में रहेगी और जो हैवी रेन्स है वो गढ़वाल में आप जो हिल्स है गढ़वाल रीजन के वहाँ पर भी वो मिलेंगी। लेकिन और आगे जब आप जाते हैं 17 या 18 तारीख में तो एक्टिविटी दिख रहा कि और बढ़ेगी। उस समय एक जो है लो प्रेशर या सर्कुलेशन जो है बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।